जो टोल प्लाजा खुला है उसके बाद लगातार प्रदर्शन जहां पर जारी है, जम्मू के अंदर भी कुछ प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं आज जो है टोल प्लाजा के बिल्कुल बाहर एक सत्याग्रह भी शुरू हुआ है। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाहेंगे। अमनदीप जी, आज से आपने एक सत्याग्रह शुरू किया है टोल प्लाजा के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी बात? देखिए, ये पूरी तरह से ये जो टोल प्लाजा है, जो सरकार ने खुद के नियम किए हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर दो टोल प्लाजा नहीं खुल सकते हैं, सरकार जो है खुद जो है अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए ये टोल प्लाजा लगा रही है। इन दोनों टोल प्लाजा के बीच में जो है 40 किलोमीटर का डिफरेंस है और सरकार जो खुद के नियम है उनको तोड़कर जो है ये किसी एक हम कह रहे हैं कि इन्होंने जो है एक जम्मू को एक मिंटिंग मनी मिंटिंग स्टेट बना लिया है कि 370 का जो है ये जम्मू वालों को एक अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है तीन नए टोल प्लाजा खुल रहे हैं, जबकि कश्मीर में आपको मालूम होगा संगम में एक खुला और वो बंद करवा दिया गया, लेकिन यहाँ पर तीन टोल प्लाजा किए हैं। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री आई, ऐसी कौन सी चीज़ आई जिसके लिए ये जो है ये टोल लगा दिए गए हैं? कोई इंडस्ट्री तो आई नहीं है, उल्टा ये हमसे हमारी जेबों पर डाके डाल रहे हैं। और ये जो रूट है आप देखें, ये आम रूट है, ये लोकल रूट है। यहाँ से आप बोले विजयपुर से लोग या सांबा से लोग जो हैं जम्मू में जा रहे हैं, बड़ी ब्राह्मणा में जा रहे हैं, इंडस्ट्री ले रही हैं आसपास, लोग आगे पीछे अप एंड डाउन करते हैं। यहाँ पर टोल नहीं बनता है, टोल प्लाजा का कोई मतलब नहीं बनता। आप लखनपुर में रखिए, प्रवेश द्वार है राज्य का, आप वहां रखें, आपको पूरा सपोर्ट होगा, लेकिन यहाँ कोई टुक नहीं बनता। ये सरासर जो है आम लोगों के जो बोलते हैं कि ये जन विरोधी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाजपा के जो मंत्री भी रहे, नेता भी हैं, चंद्र प्रकाश गंगा, उन्होंने 2013 में यहाँ टोल तोड़ा था, लेकिन आज वो भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि आज वो भी अब सामने आए और बताएं कि क्या उनकी मजबूरी है। और विपक्ष के नेताओं को भी हम बताना चाहते हैं कि आप फाइलें खुलने से क्यों डर रहे हो? विपक्षी नेता जो हैं उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो है आप समझिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और आज जो है विपक्ष जो है मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ है, सिर्फ कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी छोटी सी और बस खत्म कर देते हैं। उनमें आज धरातल पर आना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर उनमें दम है, उनमें जमीर है, तो आज वो आज आए हमारे साथ और यहां खड़े हों। ये सत्याग्रह कितनी देर तक जारी रहेगा, क्या ये इनडेफिनेट तौर पर आप चलाएंगे या कितनी देर तक का सत्याग्रह, या फिर ये कुछ देर के लिए सिर्फ एक आपका संदेश है या अपील है आपकी? नहीं, देखिए अभी लोग आ रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक होगा टोल प्लाजा का जो है, अभी जब तक नहीं हटता तब तक हम बैठेंगे यहाँ पर, जब तक टोल प्लाजा जी नहीं जी जब तक टोल प्लाजा नहीं हटता। अमनदीप सिंह बोपाराय और उनके साथ ये सभी युवा हैं जो टोल प्लाजा हटने तक के लिए यहाँ पर सत्याग्रह के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और इनका ये कहना है कि फाइलें खुलने से जो है विपक्षी नेता घबरा रहे हैं और तभी जो है इस चीज की जो है आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखते रहे जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।